वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, इन सभी अमीर लोगों को पीछे छोड़ते हुए गौतम अडानी आज वर्ल्ड के फोर्थ रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। इनका नेटवर्थ 129 बिलियन डॉलर्स है, जो कि इंडियन रुपीस में स्टैगरिंग 9 लाख करोड़ से भी ज़्यादा होता है। गौतम अडानी की अडानी ग्रुप कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है कि वो टाटा और रिलायंस को भी टक्कर दे रही है। बट यहाँ पे और एक नोटिसेबल बात यह है कि जो रिलायंस और टाटा है वो एक से ज़्यादा जनरेशन ने चलाई है, बट गौतम अडानी ने सिंगल हैंडेडली अपने दम पे इस कंपनी को इतना बड़ा बनाया है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि गौतम अडानी के स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के कारण ये कंपनी आज इतनी बड़ी है। कुछ लोगों का और पॉलिटिशियंस का ये मानना है कि ये कंपनी बीजेपी के बैकअप सपोर्ट से इतनी बड़ी बन चुकी है। आज हम डिटेल में सक्सेस स्टोरी के बारे में जानेंगे गौतम अडानी के, जिससे कि आप खुद तय कर सको कि क्या वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है गौतम अडानी के मैसिव सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम अडानी जी का जन्म 24 जून 1962 अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। ये सिंपल से जैन मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे 7 भाई बहनों के साथ। अपने ग्रेजुएशन के लिए वो गुजरात यूनिवर्सिटी ऑफ कॉमर्स में गए, जहाँ पे सेकेंड ईयर में उन्होंने कॉलेज लेफ्ट कर दिया अपने बिजनेस पैशन को फॉलो करने के लिए। अपॉर्चुनिटी के लिए वो मुंबई चले गए, जहाँ पे वो एक डायमंड शॉप में काम कर रहे थे। पर थोड़ी टाइम में उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो शॉप में काम करते करते कभी भी एक बड़े इंसान नहीं बन पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी खुद की ब्रोकरेज फर्म खोली डायमंड में जवेरी बाज़ार में। वहाँ पे उन्होंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाया। थोड़ी टाइम बाद 1981 में उनके बड़े भाई मनसुख भाई ने उनको अहमदाबाद में बुलाया उनकी प्लास्टिक कंपनी को संभालने के लिए। वहाँ पे उनको हर साल 20 टन ऑफ पीवीसी के रिक्वायरमेंट रहती थी, बट इंडिया में पीवीसी की शॉर्टेज थी। यही आइडिया स्ट्रक हुआ गौतम अडानी को और वो हाथों हाथ इस मार्केट में चले गए। कांडला पोर्ट थ्रू वो प्लास्टिक रेवल्स को इंपोर्ट किया करते थे और धीरे धीरे इस बिजनेस को उन्होंने बड़ा किया। फिर 1993 में गुजरात गवर्नमेंट ने अप्रोच किया प्राइवेट कंपनीज़ को मुद्रा पोर्ट संभालने के लिए। गौतम अडानी ने 1995 को ये कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। ये एक बहुत ही बड़ा सक्सेस था, जो कि गौतम अडानी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। आज की तारीख में मुद्रा पोर्ट सबसे बिजीएस्ट कमर्शियल पोर्ट है, जहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है इंडिया में। बट जब गौतम अडानी जी को ये पोर्ट मिला था तो ये बहुत ही खस्ता हालत में था और रेलवे से कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए 12,000 करोड़ निवेश करते हुए गौतम अडानी जी ने इस पोर्ट को रेलवे से कनेक्ट किया और काफ़ी बड़ा हाथ है गौतम अडानी का इस पोर्ट को डेवलप करने में। में बात की जाए तो गौतम अडानी की पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी एक सबसे बड़ी मैनेजमेंट कंपनी बन चुकी है। आज ओडिशा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, केरला और आंध्र प्रदेश में अपने पोर्ट एस्टेब्लिश कर चुके और इसे हैंडल भी कर रहे हैं। गौतम अडानी इसी तरीके से धीरे धीरे ग्रो करते चले गए और वो रुके नहीं। हाथों हाथ ही उन्होंने अपना नेक्स्ट बिजनेस वेंचर खोला विलमार बिजनेस ग्रुप के साथ टाइप करके। जब जनवरी 1999 में उन्होंने अपनी खुद की फूड ऑयल कंपनी यानी फॉर्च्यून ऑयल कंपनी की शुरुआत कर दी। आज ये फॉर्च्यून ऑयल कंपनी के ऑयल आपको हर एक इंडियन फैमिली में मिल जाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने अदर फूड प्रोडक्ट जैसे कि व्हीट, शुगर, दाल और राइस में अपना बिजनेस शुरू किया। इसके स्टोरेज के लिए उनको जगह चाहिए थी, इसलिए 2005 में उन्होंने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर जगह जगह साइलोस खोले मल्टीपल लोकेशन में इंडिया में। साइलोस वेयरहाउस की तरह होते हैं, जहाँ पे आप व्हीट और कोई भी गुड्स स्टोर करके रख सकते हो। अब इसका स्टोरेज तो उन्होंने कर लिया, इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्होंने अपनी खुद की प्राइवेट रेलवे शुरू कर दी। इस प्राइवेट रेलवे से उन्होंने अपने गुड्स जगह जगह इंडिया पे ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिए थे। इसके साथ साथ उनके इलेक्ट्रिक जो बिजनेस था, उनको कोल की ज़रूरत पड़ रही थी रैपिडली अपने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, इसलिए उन्होंने 2010 में ऑस्ट्रेलिया में 12,147 करोड़ में एक कोल माइन खरीदी। इस कोल माइन में लगभग 7.8 टन मिनरल्स अवेलेबल था और हर साल इस कोल माइन से 60 मिलियन टन कोल एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था। इसके साथ साथ उन्होंने 1.5 बिलियन डॉलर्स इंडोनेशिया में इन्वेस्ट किए, जहाँ पे वो साउथ सुमात्रा आइलैंड से कोल निकाल रहे थे और वहाँ पे उन्होंने 250 किलोमीटर ऑफ रेल लाइन को भी प्लान की शुरुआत कर दी थी। इसी तरीके से एग्रेसिवली रैपिडली गौतम अडानी जी अपना बिजनेस फैला रहे थे और 2014 के आते आते उनका टोटल बिजनेस जो टर्नओवर कर रहा था वो 10 बिलियन डॉलर्स का था, जो कि एक बहुत ही बड़ा बात थी उस टाइम पे।
इसके बाद उन्होंने और नए बिजनेसेस खोले, जैसे कि नेचुरल गैस बिजनेस। 2017 में उन्होंने सोलर पैनल का भी बिजनेस शुरू कर दिया। फिर 2019 में उन्होंने अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलोर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और जयपुर जैसे एयरपोर्ट्स को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। और मुंबई में भी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि दिल्ली के बाद सेकंड सबसे बड़ा और बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, उनके पास लगभग 74% स्टेक है मुंबई एयरपोर्ट का। आपको ज़रूर हैरानगी हो गई होगी ये सुन के, राइट? मुंबई एयरपोर्ट को और ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट्स को गौतम अडानी जी की कंपनी हैंडल कर रही है। मैं बताऊँ समराइज करके तो गौतम अडानी जी के मल्टीपल बिजनेसेस है, जैसे कि बिजनेस इन एयरपोर्ट्स, रोड्स, वाटर मैनेजमेंट, डेटा सेंटर, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस एंड एरोस्पेस, एडिबल ऑयल एंड फूड्स, माइनिंग, इंटीग्रेटेड रिसोर्स सॉल्यूशंस एंड इंटीग्रेटेड एग्री प्रोडक्ट्स। ये सभी बिजनेस गौतम अडानी जी की कंपनी ऑपरेट कर रही है। इससे आपको आइडिया लग सकता है कि ये सब बिजनेसेस कितना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके नेटवर्क के तरफ। इसी बिजनेसेस के कारण गौतम अडानी जी ने इतना सक्सेस हासिल किया है। हम यहाँ से एक बात नोटिस कर सकते हैं कि गौतम अडानी जी का कैरेक्टर जो है वो काफ़ी कुछ धीरूभाई अंबानी जी से मिलता जुलता है, क्योंकि धीरूभाई अंबानी भी रुके नहीं, एक बिजनेस के बाद उन्होंने मल्टीपल बिजनेसेस खोले और रिस्क ली। वैसे ही गौतम अडानी जी ने भी कभी भी एक बिजनेस पे फोकस नहीं करते हुए मल्टीपल बिजनेसेस खोले और उसे सक्सेसफुली रन किया। आज इस वीडियो में आई होप आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो में से अच्छी चीज़ सीखी हो, जिसे आप भी अपने लाइफ में या बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।